हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रोविजंस पॉटेनिंग टू अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन फॉर फैसिलिटिंग डिफरेंशली ब्लड स्टूडेंट्स एज अवेलेबल इन सीबीएसई एंड आईसीएसई सिंपल शब्दों में समझाएं तो जब सीबीएसई और आईसीएसई एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और कोई भी स्पेशली एबल्ड बच्चा या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसकी कोई नीड है यू नो डिफरेंशली एबल्ड है वो तो उसके लिए क्या प्रोविजन्स हैं क्या सुविधाएँ हैं जो वो एग्जाम देते हुए उसको मिलती है ठीक है बहुत कुछ है इसमें पूरा डॉक्यूमेंट है बट उतना नहीं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ द पॉइंट जो सी बी एस सी आई सी एस सी प्रोवाइड कराता है ठीक है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज सी बी एस सी एंड द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आईसीएससी बोथ ऑफर प्रोविजन्स टू फैसिलिटेट डिफरेंशली एबल स्टूडेंट्स जो उनके एग्जाम्स में अपीयर करते हैं अब ये प्रोविजन क्या क्या हैं देखिए एक्स्ट्रा टाइम जो बच्चा होता है जिसको कोई डिसेबिलिटी होती है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उनका एग्जामिनेशन खत्म करने के लिए अब कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा वो इस बात पे भी डिपेंडेंट होता है कि उस बच्चे की क्या डिसेबिलिटी है ठीक है बट इट कैन बी इट मतलब जितना हो सकता है दैट इज सिक्सटी मिनट्स पर पेपर उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग जो भी चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं दे कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द नीड अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी ठीक है अकोमोडेशन सेकेंड चीज है जो एकोमोडेशन पे ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी मे बी गिवन एकोमोडेशन इन देयर एग्जामिनेशन सच एज द यूज ऑफ अ अब अ रीडर और अ कंप्यूटर देखो बच्चा जो है जो स्पेशली एबल्ड है उसको कोई ना कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से वो जिसको टाइम लगेगा या तो शायद वो लिख नहीं सकता हो या फिर वो यू यूनो चीजों को समझने में प्रॉब्लम होती हो तो उनके लिए ना चीजों को एकोमोडेट किया है थोड़ा सा चेंज किया है और उसके हिसाब से कुछ पर्टिकुलर चीजें जिसका ध्यान रखा गया है ठीक है द स्पेसिफिक अकोमोडेशन यानी कि कैसा अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे वो डिपेंड करता है कि डिसेबिलिटी क्या है सबसे पहले है अस्क्राइब टू राइट द आंसर फॉर द स्टूडेंट यानी जो बच्चा नहीं लिख सकता उसके लिए एक पर्सन जो उनके लिए एग्जाम लिखेगा ठीक है राइटर वो तो कई बार बच्चे की अगर चोट लग जाती है तब भी प्रोवाइड किया जाता है ठीक है अ रीडर टू रीड द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट एक ऐसा रीडर जो बच्चे के लिए क्वेश्चन रीड करेगा ठीक है अ कंप्यूटर टू टाइप द आंसर फॉर द स्टूडेंट्स एक कंप्यूटर जो बच्चे के लिए आंसर टाइप करेगा एक लार्ज प्रिंट आंसर बुकलेट कई बार बच्चों को नहीं दिखता तो ऐसी चीज जिसमें प्रिंट थोड़ा लार्ज हो और एक क्वाइट रूम क्योंकि कई बार बच्चों को दिक्कत होती है बाकी बच्चों के साथ पेपर देने के लिए प्लस उन लोगों की थोड़ी सी नीड अलग होती है तो उसके हिसाब से उनको अलग से एक रूम मिल जाता है एग्जामिनेशन के लिए ठीक है सो इसमें एक्स्ट्रा टाइम अकोमोडेशन एंड एग्जामिशन की बात करें स्टूडेंट विद डिसबिलिटी मे बी एक्जेमटेड फ्रॉम सर्टे रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सच एज द रिक्वायरमेंट टू स्टडी अ थर्ड लैंग्वेज कई बार कई चीज़ें उनके लिए छोड़ देते हैं मतलब उसके लिए उनको एग्जैम्प्ट कर देते हैं माफ़ी कर देते हैं माफी मतलब नॉट एक्चुअली द मतलब माफ़ी बट कि आप जैसे सपोज बाकी लोग पाँच चीजें कर रहे हैं तो आप कोई बात नहीं आप तीन चीजें कर लो व दो चीज़ें छोड़ दीजिए दैट इज एग्जेम्पन ठीक है तो स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी मे बी एग्जेप्ट फ्रॉम सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन जैसे कि कोई एक एक्स्ट्रा सपोज थर्ड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो वो आप छोड़ सकते हैं जैसे नॉर्मली होता है ना कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला और ये सब हम पढ़ के चुके हैं तो कई स्कूल्स में बहुत आ, मतलब पर्टिकुलरली फॉलो होता है कि हिंदी इंग्लिश और एक और लैंग्वेज यूज करनी है या फिर एक, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है तो उनके लिए वो छोड़ दिया जाता है लेकिन इन प्रोविजन के लिए अप्लाई करने के लिए उनको एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है सी बी एस सी या आईसीएससी को और डॉक्यूमेंटेशंस के साथ जो एक मेडिकल प्रोफेशनल की तरफ से होना चाहिए कि आपके बच्चे को या किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो हमें ये उस पर मेडिकल प्रोफेशनल के साइन होते हैं और फिर वो अकॉर्डिंगली यू नो दे एक्ट द बोर्ड विल देन रिव्यू द रिक्वेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर द रिक्वेस्टेड अकोमोडेशन जो बोर्ड है फिर वो इस रिक्वेस्ट को यू नो रिव्यू करेगा और ये देखेगा कि जो स्टूडेंट है क्या वो एलिजिबल है मतलब कि कई बार लोग फेक भी डाल देते हैं तो इस चक्कर में वो थॉरली चेक करते हैं फिर देखते हैं कि क्या उसको एकोमोडेशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए ना यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और प्रोविजन के जो बच्चों के लिए अवेलेबल हैं डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई और आई एग्जामिनेशन में जैसे कि जो स्टूडेंट है जिसको डिसलेक्सिया है उसको एक पर्सन को वो यू you नो know, वो ले सकते हैं कि जो आंसर लिखेगा उनके लिए ठीक है जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी ब्लाइंडनेस है उनको रीडर दिया जाता है ताकि वो क्वेश्चन को रीड कर सकें कोई बच्चा है जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको क्वाइट रूम दिया जाता है फॉर द एग्जामिनेशन आई में अगर कोई बच्चा है जिसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उनको साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर दिया जाते हैं ताकि वो समझ सकें कि क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट जिनको ऑटिज्म है उनको एक क्वाइट रूम दिया जाता है फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑल्सो दे हैव मेनी ट्रबल इन यू नो कम्युनिकेटिंग सो उनके लिए स्पेशली ये चीज़ें सर करी जाती हैं स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोई पर्सन है जिसको यू नो दे आर नॉट दैट यू नो एक्टिव अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअली तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि वो अपना पेपर आराम से करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दिया जाए इस सबके अलावा सीबीएससी एंड आईसीएसो ऑफर अदर सपोर्ट सर्विसेज यानी कि वो बच्चों के लिए कुछ और सपोर्ट सर्विसेज भी यू नो फॉलो करते हैं जैसे प्रिपरेशन क्लासेस सीबीएसई एंड सी ऑफर प्रिपरेशन क्लासेज फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स उनके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चों को हेल्प करा जाता है कि वो एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर हो और प्लस एग्जामिनेशन में एकदम से उन्हें कोई नई चीज़ मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी ना तो हाउ टू यूज द अवेलेबल एकोमोडेशन जो उनको अकोमोडेशन मिलेगा वो कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए प्रिपेयर करता है सीबीएसई बी एस सी एंड आई एंड ऑन साइड सपोर्ट सीबीएसई बी एस एंड आई उनको ऑन साइड सपोर्ट देता है जो भी डिफरेंटली एबल स्टूडेंट होते हैं एग्जामिनेशन के टाइप पे और ये सपोर्ट कुछ भी हो सकता है जैसे कि स्क्राइब्स रीडर या अदर एकोमोडेशन जो भी चाहिए ठीक है सो दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द प्रोविजन ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोविजन के जो बच्चों के लिए अवेलेबल है सी बी एस सी और आईसी आई सी एस सी एग्जामिनेशन में सो दैट वॉज द होल कंसेप्ट ऑल दो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है बहुत डिटेल में इसमें चीज़ें हैं बट आपको अभी उस लेवल का करना है तो यू कैन सर्च इन द गूगल बट अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है तो दिस इज इनफ ठीक है इससे रिलेटेड वीडियो आपको और मिल जाएंगी इंक्लूसिव एजुकेशन की प्लेलिस्ट में आईपी यूनिवर्सिटी की अलग है नॉर्मल एक कॉमन है जो सबके लिए है एमएड की अलग है आप उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं प्ले सेक्शन में जाके वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बटन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है दैट इज़ बाय मी अ बुक वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक बाय पेइंग वट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू इट इज कम्प्लीटली अप टू यू बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच